रुबीना ने बताया कंगना की जेल में जेलर बनेगी या नहीं, करण कुंद्रा को रिप्लेस करने की आई थी खबर। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लॉकअप सीजन 2 का इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं और जल्द ही लॉकअप का प्रोमो जारी हो सकता है। खबर यह है कि मार्च के मध्य में ये शो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर हो जाएगा। इसी कड़ी में यह खबर सामने आ रही थी कि करण कुंद्रा जो इस समय टीवी पर अपने सीरियल इश्क में घायल में बिजी चल रहे हैं, वो जेलर की भूमिका निभाते हुए नजर नहीं आएंगे। तो लॉकअप में जेलर की भूमिका करण कुंद्रा के अलावा कौन निभाएगा, इस बात पर चर्चा तेजी से चल रही थी। सोशल मीडिया पर रुबीना दिलेक का नाम सुर्खियां बटोर रहा था कि रुबीना दिलेक लॉकअप सीजन 2 में बतौर जेलर करण कुंद्रा की जगह नजर आएंगी। हालांकि अब खुद रुबीना दिलेक ने चुप्पी तोड़ी है और ये बताया है कि वो लॉकअप 2 में जेलर की भूमिका निभाने नहीं जा रही हैं। तो मतलब साफ है कि करण कुंद्रा ही जेलर की भूमिका में बरकरार रह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से करण का शो इस समय टीवी पर आ रहा है, वो व्यस्त होने के चलते शो से दूरी बना सकते हैं। तो अगर लॉकअप में करण कुंद्रा नजर नहीं आएंगे तो कौन नजर आएगा, इस पर संशय अभी भी बना हुआ है। लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि जब भी लॉकअप का प्रोमो जारी किया जाएगा उसी वक्त इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि इस सीजन जेलर की भूमिका में कौन नजर आएगा। आपको बता दें कि जेलर की भूमिका में करण कुंद्रा को ज्यादा पसंद किया गया था। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।